ये समझने की हम कोशिश भी कर रहे हैं कि कौन भारी है अभी और कौन हल्का है। राहुल लाल जी, किस रूप में आप देखते हैं, आपको क्या लगता है कि जो मुद्दे, और क्योंकि अब चूंकि बिल्कुल 100% 100% अब राजनीतिक तैयारी शुरू हो गई है, उसी की घोषणा है, और आरोप पत्र जो चार्जशीट है उसके बारे में बता ही रहे थे प्रशांत टंडन जी, इसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, मैं तो ये मानता हूं कि जो 7 सितंबर से लेकर अब तक का जो प्रकरण चला है, जरूर वो कांग्रेस की गैर राजनीतिक गतिविधि थी, लेकिन उसके देश के राजनीति पे अब तक का सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा है। क्योंकि हम लोगों ने देखा कि बीजेपी के आईटी सेल को माना जाता था कि उनका कोई तोड़ नहीं है, लेकिन आपको याद होगा कि सितंबर में जब 7 सितंबर से यात्रा शुरू हुई थी, और उस समय बड़ी मुखर रहने वाली हमारी एक जो केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक सदस्य ने किस तरह से स्मृति ईरानी जी ने बयान दिया था, वो बयान कि वो वहां पे गया कि नहीं गए, विवेकानंद की मूर्ति के पास वो नहीं गए, आप तमिलनाडु में वहां से यात्रा शुरू कर रहे हैं, और आप सोच के देखिए कि बाद में किस तरह से खंडन आया। तो एक मामले पे नहीं, वो तो शुरुआत थी, उनके कपड़ों के ऊपर तमाम तरह से शुरुआत में जिस तरह से आरएसएस का निकर का मामला आया था, वो उसमें जलती हुई तस्वीरें आई थी, तो वहीं से शुरू हो गया था कि कांग्रेस अब वो कांग्रेस नहीं है, कांग्रेस में आक्रामकता आ चुकी है। जितने सारे फर्जी फोटो वीडियो मध्य प्रदेश में हम लोगों ने देखा कि क्या क्या नारे लगाए लगाने वाले फर्जी एक तरह से वीडियो जो है कि वो प्रसारित करने की कोशिश की गई आईटी सेल की तरफ से, उन सबों का मुंह तोड़ जवाब कांग्रेस ने पहली बार दिया। मैं अभी जनता के ऊपर नहीं जा रहा हूं, मैं तो अभी कांग्रेस के रणनीति के ऊपर जा रहा हूं कि अगर आईटी सेल अगर बीजेपी का था तो उस बीजेपी का आईटी सेल को बहुत वर्षों बाद हमने देखा कि कांग्रेस के आईटी सेल और भारत की जनता की तरफ से उसको मुंह तोड़ जवाब मिला। जनता के मुद्दे पहली बार जनसामान्य के लोगों के बीच में सामने में अभी आए। अब मुझे आश्चर्य लगता है कि जो गहन मामले होते थे, मैं बार बार कहता हूं, एक तो नफरत का मामला, उस जगह पे जो नफरत के मामले पे जब आप चोट करते हैं तो वो चोट बीजेपी के पूरे ध्रुवीकरण के मामले पे चोट हो जाती है। जब बीजेपी ये चीज कहती है कि राम मंदिर का निर्माण 1 जनवरी 2024 से शुरू हो जाएगा, तो समाज में ऑटोमेटिक विमर्श आता है कि भाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर वो बन रहा है, अपनी दूसरी उपलब्धियां तो बताइए, किसानों की आय डबल हुई, बेरोजगारी क्या स्थिति है, ईमानदारी क्या स्थिति है। तो आप एक शब्द लेते हैं राम मंदिर, जनता सब मुद्दे लेके खड़े हो जाती है। आप यकीन मानिए राजीव जी कि इस यात्रा के पहले ये होना संभव नहीं था, क्योंकि नफरत की खाई बहुत गहरी हो गई थी। उस नफरत के खाई को पाटा गया है जहां पे कि एक तरह से बीजेपी की आत्मा, उनके पूरा इलेक्शन का स्ट्रेटजी सारा वो उसी के ऊपर हुआ करता था, आप अपने तमाम कमियों को उसी के माध्यम से छुपाते थे। अभी जब मैं कहीं यहां वहां घूम रहा होता हूं तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि बड़े जटिल जटिल मुद्दे पर लोग चर्चा कर रहे होते हैं, तो किस तरह से अभी अभी लोगों के बीच में विमर्श का मुद्दा बना हुआ है। और राजीव जी, ये मुद्दे वो लोग चर्चा कर रहे हैं जो बीजेपी के कट्टर समर्थक है, उन्हें अब न्यायपालिका की स्वतंत्रता की चिंता हो रही है। वो अब ये बात पूछते हैं कि भाई कॉलेजियम को लेकर इतना विवाद क्यों तीखा होता चला जा रहा है केंद्र सरकार के बीच में और सुप्रीम कोर्ट के बीच में। अभी अभी देखिए, जब हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं, आप देखिए स्थितियां कैसे हर तरफ से बदलती है, बीजेपी जो घिर रही है वो कैसे हर तरफ से घिर रही है। तो नाम को एक तरह से वो केंद्र सरकार भेजती थी बड़े बड़े एजेंसियों के नाम के आधार पे, कि रॉ के खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट लगा के, आईजी के खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट को लगा के, और सुप्रीम कोर्ट ने वो सब कुछ अपने वेबसाइट पर जो है सार्वजनिक कर डाला है, और उसके खारिज करके एक एक तर्क बिंदु को पहले में पब्लिक डोमेन में रख डाला है। अब सरकार की कितनी बड़ी किरकिरी हो रही है, कई जजेस की नियुक्ति को खारिज कर दिया था कि उन्होंने वर्तमान मोदी सरकार की आलोचना की थी, या मोदी सरकार की आलोचना से संबंधित उन वकीलों ने जो है कि कुछ आर्टिकल शेयर कर डाले थे। तो अब यह कितने आश्चर्यजनक स्थिति है कि क्या सरकार विरोधी अगर कोई आर्टिकल शेयर कर लेगा तो वो क्या हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए अयोग्य हो जाएगा। तो देखिए, सरकार तो फंस रही है हर तरफ से, चूंकि कभी पारदर्शिता के इस लेवल पर नहीं गई थी। मैं ये कहूंगा कि और वो अगर इस पारदर्शिता के हद तक पे गई है तो जनता जिस गंभीरता के साथ देख रही है, फिर जनता देखती है कि भाई भारत जोड़ो यात्रा का क्या मुद्दा था, संवैधानिक संस्थाओं पे कब्जा, तो वो तो देखिए जब से आया है लगातार वो प्रयत्न कर रहे हैं। तो ये सब मामले के कारण बीजेपी बहुत फंसी हुई है। आप सोच के देखिए कि जब ये यात्रा, बीजेपी नहीं प्रयास चाहती थी कि ये यात्रा किसी भी हालत में राजीव जी जो है कि वो जम्मू कश्मीर पहुंचे, सफलता के साथ ये यात्रा वहां पहुंच रही है। तो जो गोदी मीडिया को देखिए, इस बीच में क्या उनको क्या नया सा टॉपिक दे दिया गया, जिस मीडिया का काम होना चाहिए था कि देश में अंधविश्वास की समाप्ति करना, वो एक तरह से एक अंधविश्वास का माहौल बना रहा, तथा कथित
एक व्यक्ति है उसके अंधविश्वास के ऊपर अपनी मोहर लगा रहा है, और आप ये काम उसके माध्यम से, एक अंधविश्वासी व्यक्ति के माध्यम से जो अंधविश्वास का फैलावा कर रहा है, अब वहां से तैयारी हो रही है हिंदू मुस्लिम की खाई को बांटने के लिए। तो आप सोच के देखें कि बीजेपी के लिए होमवर्क राजीव जी कितना मुश्किल हो गया है, उनको नए नए लेवल पर जाना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री जी एक तरफ तो कहते हैं कि भाई किसी के बारे में कुछ कहना नहीं है, हमें अल्पसंख्यक समुदाय के साथ जाना है, बड़ी गंभीरता से मिलना है, लेकिन जिस तथाकथित व्यक्ति का ये तमाम चैनल अभी महिमामंडन कर रहा है, वो देखे किस तरह से अल्पसंख्यक समुदाय के ऊपर कैसी टिप्पणी कर रहा है, तो एक नया चोर दरवाजा खोजना पड़ रहा है। जनता बड़ी समझदार है, वो हर चोर दरवाजे को समझ रही है कि बीजेपी किस मुश्किल स्थिति में फंसते हुए ऐसे ऐसे जगहों पर ऐसे ऐसे एजेंडे पर जाना पड़ रहा है। अब प्रशांत जी ने बड़ी गंभीर बात कही, देखिए अरे अगर वहां पे जातिगत जनगणना हो रही थी, लगातार बीजेपी के लोग हमलावर हो गए थे कांग्रेस के ऊपर, जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने कहा था कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, तो बीजेपी हमलावर होकर कह रहे कि देखिए कांग्रेस का एक ऐसा चरित्र है, ये तो जातिवादी हो गई। अभी आप देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कितने अच्छे ढंग से कहा कि भैया अगर आप आरक्षण देते हैं तो आपके पास आंकड़े तो होने चाहिए, और अगर बिहार सरकार वो आंकड़े ला रही है तो उससे संबंधित हम उस जातिगत जनगणना वाले मामले को हम क्यों उसमें हस्तक्षेप करें, वो अच्छी चीज है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहीं कहीं जातिगत जनगणना का पूरा समर्थन किया। आप सोचिए हम लोगों ने यूपी में देखा, अभी ट्रिपल टेस्ट का मामला लेके बिना राज्य सरकार उसके बिना ही ओबीसी को दिखावा का एक नाटक कर रही थी, और उसको कैसे सुप्रीम कोर्ट से उस समय इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका लगा था। तो ये ऐसी स्थितियां जहां पे बीजेपी हर मोर्चे पे आर्थिक मामले पे एक तरह से जो कि अलग के बीच में समूह में के बीच में जो भेदभाव कर रही थी उन मामलों में फंस रहे। आप सोच के देखिए अभी तक तो ये पूरा मामला गैर राजनीतिक था, लेकिन हाथ से हाथ जोड़ो अभियान जिस तरह से कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं को मैं पहली बार देख रहा हूं कि वो सुपर एक्टिव मोड में आए। मैंने 2014 के बाद पहली बार कांग्रेस सेवा दल या तमाम उसके अन्य कांग्रेस युवा मोर्चा जो है या अन्य कार्यकर्ताओं के समूहों को मैंने एक्टिव मोड में देखा है। तो वो आप सोचे हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के लिए जिस तरह से वो एनर्जी लगा रहे हैं, तो ये एक अभूतपूर्व स्थिति है। देश में मुद्दों को लेके कांग्रेस बिल्कुल सामने में आई है और बीजेपी इस पूरे मामले में फंस रही। देखिए उन्होंने सपने दिखाए, काम नहीं किए। अगर वो काम करते तो वो गिनती कराते कि 9 साल में उन्होंने क्या काम किया। 9 वर्ष हो गए, हर कोई एक सामान्य जनता भी अब सड़क पर चलते हुए छोटे छोटे पांचवी छठी के बच्चे भी पूछते हैं 18 करोड़ नौकरी का, मेरे भैया तैयारी करते हैं नौकरी का 18 करोड़। तो ये एक मुद्दे की राजनीति का पूरा श्रेय कांग्रेस को जाता है, और अगर ये मुद्दे की राजनीति होगी तो बीजेपी के लिए कोई स्पेस नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल, मुद्दे की राजनीति, बहुत सही आप कह रहे हैं। मुद्दे की राजनीति अगर कांग्रेस करती है और इस पर ही आगे बढ़ती है तो शायद बीजेपी के लिए कोई स्पेस नहीं है, ये कहना है।